है ये? पापा हम माफी चाहते हैं। बस ज़ारा, तुम्हारे दिल में और दिमाग में क्या है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये भी जानती हूँ कि तुम क्या चाहती हो, लेकिन जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। हम कुछ नहीं चाहते पापा। बहुत कुछ चाहती हो तुम, इसीलिए मेरे बेटे के पालने में ये लेटर रख के आई हो ना। अगर आप एक सेकंड ज़ारा, मेरी बात पूरी नहीं हुई। पहले तुम मुझसे बात करने आई थी, मैंने बात करने से इनकार कर दिया तो तुम ये लेटर छोड़ के आ गई। क्या कहना चाहती, क्या लिखा है इसमें? मैं जानती हूँ इसमें क्या है। माफीनामा है ना तुम्हारा, उम्मीद है ये तुम्हारी कि शायद एक बार फिर से तुम्हारा और मेरा रिश्ता पहले जैसा हो जाए, एक बार फिर से तुम्हें तुम्हारी आपा वापस मिल जाए, है ना? यही लिखा है ना इसमें? याद रखो, जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं होगा। और सिर्फ इसलिए मैंने ये लेटर पढ़ने की जरूरत तक महसूस नहीं की। और जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है ज़ारा, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। एक बहन को फिर भी माफ कर सकती है, लेकिन एक माँ उस औरत को कैसे माफ करे ज़ारा, जो उसके बेटे के लिए खतरनाक है। मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, इसलिए याद रहे दोबारा ऐसी कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं, समझी तुम? अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है कि आपने वो खत नहीं पढ़ा, वरना आज कयामत आ जाती। या अल्लाह, तू ही हमें अमन के साथ पीर बाबा की दरगाह पर जाने का रास्ता दिखा, क्योंकि आपा वो तो हमें अमन को छूने भी नहीं देंगी। और अगर कल हम पीर बाबा की दरगाह पर नहीं गए तो न जाने क्या होगा हमारे बेटे का। या अल्लाह, देखो आज, देखो जरा गौर से, कैसी बावली सी हो गई मेरी बच्ची, उसके प्यार में बिल्कुल पागल हो गई है। मैं तो कहती हूँ उस लड़के ने ना, उस मक्कार हसन ने मेरी बच्ची पर और मेरी बुढ़िया सास है ना, दोनों पर जादू कर दिया। फूफी जान, झूठ बोलो तो जुबान जल जाए ऐसा। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि हसन मक्कार और फरेबी है। वो क्या है ना, आदमी दामाद अपने ही बरादरी में अपने से ऊंचा ढूंढता है, और आपको तो घर बैठे बिठाए मिल गया। वैसे ये लीजिए, इसकी एक गोली शरबत में मिलाकर हसन मियां को पिला देना, फिर क्या होगा? शर्मिली खाला खुद धक्के मार के उसे बाहर निकालेंगी। सच्ची? लेकिन इसमें है क्या? सच बोलने की दवा। जैसे ही ये दवा वो खाएगा सच बोलने लगेगा, और अगर वो गलत होगा तो शर्मिली खाला उसे आउट कर देंगी। क्यों? आयशा मजा आ गया, सच कहती हूँ। आयशा जान, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, सच्ची। फूफी, एक मिनट आयशा बीबी, कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही हो ना? हाँ, झूठ बोलूं तो जुबान जल जाए आयशा की। फूफी जान, आयशा को आपसे हिसाब तो बराबर करना है, लेकिन क्या करें, शिरीन आयशा की छोटी बहन जैसी, इसके मुस्तकबिल के साथ आयशा खिलवाड़ नहीं कर सकती। और अगर फिर भी आपको यकीन ना हो ना, तो एक गोली खुद खा लीजिए, आयशा के बारे में जो भी आप सोचती है ना एकदम से बक देंगी। अब नहीं नहीं आयशा बीबी, इसकी क्या जरूरत है, तुम और मैं तो
चलो अब चलती हूँ, बहुत देर हो गई ना। कामयाबी का किस्सा तुम्हें अगली मुलाकात में जरूर सुनाऊंगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वक्त बहुत कम है, आज हर हाल में हमें अमन को लेकर जाना होगा। अल्लाह, सुना है नेकी की राह पर चलने वालों को तू रास्ता दिखाता है, फिर हमारे लिए रास्ते क्यों बंद कर रहा है? मेरे सामने ये अंधेरा क्यों है? मदद कर अल्लाह। सो जा मेरे बच्चे, सो जा, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। अरे ये तो मेरा परपोता है, आज तो ये अपनी परदादी की गोद में सोएगा। दादी आपका परपोता नहीं, परपोती है मेरी परी। क्या है ना, अचानक देखो ना तो पता नहीं चलता है पोती है या पोता है, है ना जी। इतने छोटे बच्चे एक जैसे ही दिखते हैं, आखिर दोनों बहनों की तो औलाद है। शायद हमें रास्ता मिल गया। अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी, मैंने कितनी बार समझाया तुझे इतना ठंडा ठंडा शरबत मत पिया कर बेटा, जुकाम हो जाएगा। मामा ये मेरे लिए थोड़ी ना है। तो फिर किसके लिए? ये तो उनके लिए है। उन कौन बेटा? उनके लिए मामा, आपके होने वाले दामाद के लिए। अच्छा तो उनकी तशरीफ आ चुकी है? हाँ हाँ अभी अभी आए हैं। अरे वाह बहुत अच्छी बात हुई है, तो जाओ बेटा खूब पिलाओ उसे शरबत, पेट भर के उसे शरबत पिलाना। लेकिन एक काम करना मेरा, ये देख। ये क्या है मामा? ये बेटा ये मोहब्बत की गोली है बेटा। इसका असर ये होगा कि हसन मियां के दिल में जितनी भी बातें हैं वो सब उनकी जुबान पर आ जाएंगी बेटा। हाँ हाय अल्लाह, यकीन मान मेरा। जाओ बेटो जाओ उसे ठंडा ठंडा शरबत पिला। हाँ लेकिन ये ग्लास हसन को ही देना। चल 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 जल्दी चल। चल गुल, शर्मीली बेगम को लेकर चलते हैं और दिखाते हैं हसन मियां की असलियत, उनका असली रंग और उनके तमाशे। चल रेशमा, तुम्हारा काम हो गया तो फिर तुम जाओ, मेरा अमन भी सो गया है और मैं भी कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। जी बीबी जी। जब तक आपा की नींद खुलेगी तब तक हम अमन को मजार से वापस ले आएंगे। रोना मत मेरी बच्ची, आज तुम्हारी माँ का इम्तिहान है।
लीजिए ना, वो वाला नहीं, ये वाला ग्लास लीजिए। इसमें कुछ खास है? एक्चुअली क्या है ना, आपकी होने वाली सासू माँ ने इसमें मोहब्बत की गोली मिलाई है खास आपके लिए। मोहब्बत की गोली? अच्छा, उसका बस चले तो मुझे जहर की गोली दे दे, कुछ तो गड़बड़ है। कहाँ खो गया? शिरीन, मुझे लगता है कि सही मायने में इस गोली की जरूरत तुम्हारी मम्मी को है। तुम्हें नहीं लगता कि उन्होंने अभी तक मुझे पसंद नहीं किया? हो सकता है ये गोली के बाद में उनके दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत जाग जाए। पिला दोगी ना? आपके लिए तो मैं कुछ भी करूँ। बस बस बस, मैं समझ गया। आप फिलहाल तुम इतना ही करो कि ये उन्हें पिला देना। हाँ, लेकिन उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम पिला रही हो, वरना असर नहीं होगा। ठीक है। अरे हसन भैया। अरे सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम बेटे, कैसे हैं आप? वालेकुम। बस आपकी दुआ। तो कैसे मिजाज हैं? जी बिल्कुल ठीक, आपकी दुआ। आप लोग लीजिए ना। हम लोग ऐसे कैसे ले सकते हैं, तुम हमारे मेहमान हो बेटा, तुम लो पहले। जी हमारे यहाँ कुछ भी खाने पीने की शुरुआत पहले बड़े ही करते हैं। इसे कहते हैं तहजीब। लो ना गुड़, लो। मम्मी आप कुछ कहिए ना हसन मियां के बारे में। अरे बेटा, अब मैं क्या कहूँ इनके बारे में, ये एक नंबर का कमीना, जलील और बदमाश आदमी है। कौन? मम्मा मैंने आपको मोहब्बत की गोली पिलाई और आप इस तरीके से इनके बारे में बोल रहे हो? अरे जलील औलाद, हाय क्यों ना तुम्हें मुंह तोड़ दूंगी एक दिन। गोल चुप कर बढ़िया। तूने मेरे और मेरी बेटी के बीच में कुछ कहा तो तुमने मुझे बुढ़िया कहा तो और क्या कहूँ? तुझे बुढ़िया नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? ऐश्वर्या राय है क्या? पापा प्लीज चुप हो जाओ ना। तू चुप कर, तू बीच में मत बोल, समझी? अरे अरे तुझे देखकर तो मुझे ना वो लखनऊ की सड़ी हुई दशहरी आम की जो गुठलियाँ होती है ना वो याद आती है। मुझे सड़े हुए आम की गुठली क्या तुम्हें? हाँ, तू सड़े हुए आम की सड़ी हुई गंदी सी गुठली है। आज हम इसे आपके दरबार में बाबा, रहम करो। अमन हमारा बेटा सही, लेकिन अब किसी और की अमानत है। अगर कोई गलती हुई है तो इसकी सजा हमें देना। इसे हर बुरे साए से, हर बुरी नजर से दूर रखना, इसकी हिफाजत करना मौला। हमारे बेटे को जिंदगी बख्शो। Oh
अब क्यों हंस रहे हैं बाबा आप? देखिए, हम अमन को इतनी मुश्किलों के बावजूद भी यहाँ लेकर आए हैं। इसी बात पे तो हंस रहा हूँ। और कब तक इसे छुप छुपा कर लाती रहोगी? भेद खुल जाएगा, खेल मिट जाएगा। बता दे सच कि ये तेरा बेटा है, रास्ते की सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, असली माँ को उसका बच्चा मिल जाएगा और बच्चे को जिंदगी, नहीं तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। आज लेकर आ गई, लेकिन रोज मुमकिन नहीं है, और अंजाम कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को। आखिरी दम तक हम अपने बच्चे के लिए लड़ेंगे। इस तक पहुंचने से पहले मौत को हमसे होकर गुजरना होगा। महज गुरूर है ये तेरा। ये गुरूर नहीं है बाबा, ये एक माँ का भरोसा है, उसकी जिद है, उसका प्यार है अपने बेटे के लिए, जो इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। माना कि सच एक बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन अगर वो हथियार हमारी ही बहन पर चले तो हमें कबूल नहीं है बाबा, इसलिए हम सच नहीं बता सकते। हम भरोसा दिलाते हैं बाबा कि हम अमन को हर कीमत पर पीर बाबा की दरगाह पर लाएंगे, और आप भी देखेंगे कि मौत का काला साया एक माँ की मोहब्बत के आगे कैसे हार जाएगा। गई नहीं तो झूठ बोलो तो जुबान जायजा की। आयशा तो सब देख सकती है। हम समझे नहीं आयशा के कहने का मतलब है। लगता है तुम कहीं बाहर से आ रही हो, थकी हुई लग रही हो। जाओ आराम कर, खुशी को आयशा को दे दो। नहीं ठीक है। क्यों? एक्चुअली इसकी नैपी गीली है, हम उसे चेंज कराने ही जा रहे थे। अच्छा ठीक है ठीक है। सारा क्या हो गया, तुम सब कुछ भूलने लगी? वहां जा रही हो जहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए। आशा के कहने का मतलब है तुम्हारा कमरा तो यहाँ है, वहां जीनत का कमरा है, और वहां जाना थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। आप सवाल बहुत करती हैं। एक्चुअली हम इसकी नैपी चेंज कराने के लिए आपा के रूम में ले जा रहे थे। हमारे रूम में नैपीज खत्म हो गई हैं। लीजिए आप ही चेंज करा दीजिए इसे। आप आयशा? नहीं नहीं, वो क्या है ना सारा, आयशा अभी तैयार होकर आई है, कहीं जाना है, साड़ी खराब हो जाएगी ना। आपको तो बच्चों से इतना प्यार है ना। प्यार है मगर अभी वक्त नहीं है, कभी और अपना प्यार निछावर कर दूंगी। चलती हूँ।